कभी मुंबई आने का भी प्लान करो, मुंबई या कोई, जैसे कोई बड़ा मेरे पास प्रोजेक्ट आता है ना, कोई बड़ा एल्बम सॉन्ग आता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, कोई बड़ी सीरीज आती है, तो मैं वहाँ पे काम करना चाहूँगी मतलब। बट अभी अपना राजस्थान ठीक है, अभी अपन यहाँ अपना काम चल रहा है, सुबह शाम का खाना निकल जाता है, तो वो ठीक है, अभी यहाँ पे सही है, बढ़िया है। जय माँ गणी जी सा, मुझे आपकी भाषा मस्त लगती है, मेरी भाषा मस्त लगती है, मतलब आप, मतलब मैं मारवाड़ी में बात कर रही हूँ, हिंदी में बात कर रही हूँ, कौन सी वाली मस्त लगती है? पंजाब कब आएंगे? पंजाब भी आएंगे ज़रूर, आपसे मिलने कब आ सकते हैं? और आप कहाँ रहते हैं जी? मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, कभी राजसंबंध भी आओ, मेरे यहाँ आओ, मैं आलू का बोरा दे दूंगी, मतलब मैं आपके वहां पे आलू का बोरा लेने के लिए आऊंगी, मैं यहाँ से मंगा ही लूंगी ना। मारवाड़ी मम्मी कैसी? मम्मी बिल्कुल ठीक है, जमा करनी सा। गुजरात आओ, मैं आके गई थी वहां, आपसे मिली भी थी मैं, हम जब खरसाम जी गए थे तब वहां आपका मंदिर देखा था, वो मेरा मंदिर नहीं है, वो करणी माता का मंदिर है। जय माँ करणी, आपने सच में एक लड़की होके लड़के वाले फर्ज निभाए हैं, आज जाना लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। नहीं मतलब ये, मतलब बहुत, ये आप, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट ये एक चीज़ और मैं मतलब खुद अपनी तरह से आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि मतलब जितने भी लाइन में बैठे हैं ना, उन सबको एक नॉर्मल सी बात है जो मतलब काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में थी, कि एक तो सिंपल सा लॉजिक ये कि आज प्रेजेंट टाइम में लड़का लड़की कोई कम नहीं है, सब इक्वल है, सब बराबर है, मतलब ये बहुत गलत बात है कि मतलब लड़का लड़की से आगे है, कम है, या ये जो भी है, ये सब कुछ भी नहीं है, सब इक्वल है, सब बराबर है, मतलब जो चीज समझ जाओ। और दूसरा मैं मेरे अकॉर्डिंग बताती हूँ कि लड़कों के फर्ज निभाने के लिए ना, एक लड़की को लड़का बनने की जरूरत नहीं होती, वो लड़की होगी वो सारे काम कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। तो अब आप कहोगे कि फिर तुम क्यों लड़का बनी फिरती हो? ये मेरे को पसंद है, मतलब मेरे को ऐसा रहना पसंद है, मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइफ सबकी अपनी अलग अलग होती है, सबका अपना तरीका होता है रहने का, सबका अपना अपनी चॉइस होती है कि उसको किस तरीके से रहना है, किस तरीके से क्या करना है, दैट्स इट। और बट मैं पॉइंट ये बोलना चाहती हूँ कि लड़कों के फ़र्ज निभाने के लिए लड़कियाँ लड़कियों के रूप में रहकर ही कर सकती हैं, उनको लड़का बनने की जरूरत नहीं है। तो और मैं जो कर रही हूँ ये मेरा फ़र्ज है, ये मुझे निभाना है, ये मेरे को करना है। सबकी लाइफ में अपने अपने फ़र्ज होते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, जो वो बखूबी निभा रहे होते हैं। मैं शायद कहीं ना कहीं से निकल के आप सभी के सामने आ गई, अदरवाइज़ मैं सामने नहीं होती तो आज मैं भी कहीं ना कहीं किसी के पीछे छुपी होती, या फिर अपने घर में रहती, या फिर किसी और के घर में रहती, मतलब शादी वगैरह होने के बाद में। बट मेरा लक, करणी माता की मेहर और आप सभी का प्यार कि मतलब कुछ एक वीडियो मेरे आपके सामने आ गए तो आप लोग मेरे को जानते हो, अदरवाइज़ मैं भी वो नॉर्मल हूँ, वही नॉर्मल इंसान जो आप सभी हैं, आप सभी की तरह ही मैं भी वही हूँ, दैट्स इट। बाकी मैं बिलीव रखती हूँ काम करने में और मेहनत करने में, तो उसका फल जरूर मिलता है। बाकी बोलने वाले, पीछे खींचने वाले, जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ टांग पकड़ के नीचे खींचने वाले बहुत से लोग होते हैं, और सच कहूँ ना, मतलब दिल पे आता कि बोलूँ सच कहूँ ना, तो वही लोग हमें सपोर्ट करते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। बस तो जिंदगी में अगर गलत बोलने वाले लोग नहीं होंगे ना, तो सच बता रही हूँ, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं तो चाहती हूँ कि गलत बोलने वाले लोग मेरी लाइफ में नहीं, हम सभी की लाइफ में हो, ताकि उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले पॉजिटिव वे में। जब मेरे को लगता है ना कि मेरे कॉमेंट्स में गलत कॉमेंट नहीं आ रहे हैं, या फिर मेरे मैसेजेस में गलत मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, मेरी पीठ पीछे बोलने वाले जो गलत लोग हैं वो गायब गायब होते दिख रहे हैं, तो मुझे डर लगने लग जाता है, यार कहीं मैंने
मैंने मतलब काम करना कम तो नहीं कर दिया, कहीं मेरी मेहनत में कुछ कमी तो नहीं आ गई। मतलब मैं से बैठ के सोचती हूँ कि यार मतलब कुछ गलत हो गया, गलत बोलने वाले कहाँ गए, मतलब मेरे को ढूंढना पड़ता है ऐसे, मतलब कमेंट्स में जा जाके स्क्रॉल करके देती हूँ, अरे गलत कमेंट, जैसे ही कुछ गलत कमेंट दिखता है अरे छक्का, अरे तू ये, अरे तू वो। सुकून मिलता है, दिल को शांति मिलती है, खुशी होती है, एक थैंक गॉड मैं भी काम कर रही हूँ, मेरी मेहनत जारी है, मैं सफलता की सीढ़ियों पर हूँ अभी। सो दैट्स इट। तो गलत बोलने वाले हर इंसान के लाइफ में होने चाहिए, मैं चाहती हूँ कि हो, और तभी हमें रियलाइज़ होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, हमारी हम आगे बढ़ रहे हैं। व्यायाम करनी जी सा पंजाब ऐसे बहुत अच्छी जगह है ना, कभी मेरे को लगेगा ना पंजाब जाना है तो मैं जरूर पंजाब जाऊंगी। जमा करने की सा इतना पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ से लेके आते हो? पॉजिटिव सच बताओ ना कि इंसान बाकी सबके सामने जो होता है वो पीछे से वैसा नहीं होता है ना, राइट? अगर मैं आपके सामने हंस के बात कर रही हूँ, मैं खुश दिख रही हूँ आपके सामने, तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है मेरे अंदर, क्योंकि मैंने अपने आप को स्ट्रांग कर रखा है कि मैं स्ट्रांग हूँ। रतन तू स्ट्रांग है, तू सुन सकती है लोगों की, तू लोगों की सुन के भी आगे निकल सकती है, तो मैंने स्ट्रांग कर रखा है। और वो किस तरीके से कर रखा है वो या तो मैं जानती हूँ या मेरे को स्ट्रांग बनाने वाली जानती है, करनी माता। ओके, नेक्स्ट मंथ आई विजिटेड टू योर शॉप। नेक्स्ट मंथ मतलब आप आएंगे या आ चुके? जमा करने सा मतलब कुछ पॉजिटिव कुछ मोटिवेशनल वाले पॉइंट्स चाहिए ना, तो मुझसे आप बिल्कुल ऐसे बखान है मेरे पास, बिल्कुल ले सकते हो आप लोग। मेरे पास में ना बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि मतलब इंसान उन चीज़ों से डेफिनेटली निकल जाएगा जिसमें फंसा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को निकाला है उस वहाँ से जहाँ वो नहीं रहना चाहते थे। तो हाँ, मैं उसमें हेल्प कर सकती हूँ सिर्फ मेरी बातों से, सिर्फ मेरे थॉट से। जमा करने जी सा। और अगर नई बात हो सकती है, अगर नई देख सकते हो, अगर नई मिल सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पे रहिए। और घर पे रह के ना जिसको भी मानते हो, जो भी भगवान है, जो भी इंसान है, जो कुछ भी है ना, सिर्फ बस उसमें उनमें आ जाओ, उनका नाम लो, उनमें इन्वॉल्व हो जाओ टोटली, और कुछ ही नहीं। सुसाइड करने का मन करता है, क्या करूँ दीदी, लाइफ है, एक बार मिली है, फिर से नहीं मिलने वाली है। एक बार हाथ से निकल जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, तुम मर जाओगे, पीछे माँ बाप हाथ धोते रह जाएंगे, मतलब उनके पास फिर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि पेरेंट्स हमारे जो कर रहे हैं ना, वो हम लोगों के लिए ही कर रहे हैं। अगर रात दिन भाग रहे हैं, अगर रो रहे हैं, अगर हंस रहे हैं, अगर कुछ भी कर रहे हैं ना हमारे पेरेंट्स, तो वो डेफिनेटली हमारे लिए ही कर रहे हैं। और हमको ना एक सेकंड नहीं लगता ये सोचते हुए कि यार मर जाऊँ, मजाक लगता है हमें। और पहले मैं बहुत बार बोलती थी अपने पापा के सामने, मम्मी के सामने, अरे मम्मी यार क्या लाइफ है, मर जाऊँ ना तो ठीक है, आप लोग खुश रहो, क्योंकि उस टाइम ऐसे इरीटेट सी रहती थी मैं, तो मतलब उनको ऐसे मैं बोल देती थी ऐसे गुस्से में कि अगर मैं मर जाऊँ ना तो आप लोगों को शांति मिल जाएगी, फिर तो ठीक है ना, बिना बेटी के रह लोगे ना। बट आज वो चीज़ फील होती है कि उन लोगों के दिल पे क्या गुजरती होगी। अपन तो बोल के निकल लिए बाहर, अपन तो चले गए अपने फ्रेंड से मिलने, या फ़ोन पे लग गए अपने किसी दोस्त से, बट उन दोनों के दिल पे क्या गुजरी है कि मतलब ये औलाद हम लोगों ने पैदा की, इसको जन्म दिया, इसको पैदा किया, इसको इतना बड़ा किया, और वो आज हमें बोल रही है कि मैं मर जाऊँ तो ठीक है, आप दोनों खुश हो जाओगे ना। मतलब पेरेंट्स यार वो जानते हैं हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप कहाँ पे जा रहे हो? जमा करनी थी सा।
दिल का सॉफ्ट होना अच्छा है, पर किसी को पता ना लगे. देखो किसी को पता लगे नहीं लगे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दिल का सॉफ्ट आई थिंक इंसान को होना चाहिए कहीं ना कहीं. और जो इंसान सॉफ्ट नहीं है ना, उसका भी दिल का एक पार्ट सॉफ्ट होता है वो ना, बट वो शो नहीं करता लोगों के सामने कि मैं मगर बता दूंगा ना कि मेरी ये कमी है, मेरी कमजोरी है. मैं क्या कई बार क्या होता है कि ले भाई मतलब एक वो प्रॉब्लम्स को आगे से इनवाइट करते हैं कि आओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ. वही चीज़ है कि हम खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, हम खुद इसे ख़त्म करते हैं. सब हमारी तरफ से होती है वो सारी चीज़ें. सामने वाले इंसान को दोष मत दो क्योंकि हमने उसे इन्वॉल्व किया है, हमने उसे मौका दिया है. दुनिया सिर्फ हालचाल पूछती है और फिक्र सिर्फ माँ बाप करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही हैं आप, बिल्कुल सही हैं आप. मुझे आलू के पराठे की खुशबू आ रही है. तो मम्मी बना रहे आलू के पराठे. इमोशनली स्ट्रांग, आई थिंक आपको नीड, इमोशनली स्ट्रांग बनने की नीड तब हुई जब आपके साथ में किसी, आपका किसी ने ट्रस्ट ब्रेक किया, आपको किसी ने हर्ट किया, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के साथ में जो कंटिन्यूसली आपको हर्ट करते जा रहा है, आपको आपको मतलब आपकी उम्मीदें उससे बंधी हुई है और वो उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा है, उन उम्मीदों को तोड़ रहा है. तब आपको नीड हुई इमोशनली स्ट्रांग बनने की. तो आप तो ऑटोमेटिक इमोशनली स्ट्रांग बन चुके हो ना यार, क्योंकि वो इंसान कंटिन्यूसली आपको हर्ट कर रहा है, वो आपकी उम्मीदों को तोड़ रहा है, आप उसको सहन कर रही हो. तो आप ऑटोमेटिकली ही इमोशनली स्ट्रांग बन चुकी हो. अब नीड है ही नहीं. अब अगर वो आपको हर्ट भी करेगा ना तो आपको क्या लगेगा, एक बार और सही ठीक है कर लो. राइट समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ. तो विजन का एक क्वेश्चन था ना कि इमोशनली स्ट्रांग कैसे बने. आप हो क्योंकि नीड आपको कहाँ पड़ी, क्योंकि वो आपको हर्ट कर रहे हैं और वो हर्ट तो कंटिन्यूसली कर रहे हैं ना, तो आपको आपका हैबिट हो गई उसकी. जय मां कांडी जी सा. और आज के टाइम पे सारी चीजें नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल वाली चीजें हो गई है. किसी के थ्रू हर्ट करना, किसी का ट्रस्ट ब्रेक करना, किसी को हार्म करना, या फिर किसी की उम्मीदों को तोड़ना, ये सब चीजें नॉर्मल हो गई. लोग बाग इसको ट्रेंड में लेके आ रहे हैं कि अच्छा उस बंदी ठीक है मैं रिलेशन बना लूंगा, और मतलब क्या ट्रस्ट ब्रेक करना है क्या, हाँ ठीक है 5-6 दिन में मैं अच्छा रिलेशन बना के ट्रस्ट ब्रेक कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रेंड है. अच्छा उसको पटाना है, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं पटा लेंगे यार, मतलब ठीक है. ये नॉर्मल चीजें, इन सब चीजों से बाहर निकल के जो चीजें एक्चुअल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमें उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा. जमा करने री सा. हंजू 3 मिलियन कमिंग सून निकू दीदी. हाँ हंजू पे 3 मिलियन होने वाले हैं. जैसे ही खाना बन जाएगा ना मैं लाइव एंड कर दूंगी. तब तक आप कुछ भी पूछ सकते हैं, अपना कोई भी क्वेश्चन, अपने आउटलेट के लिए कुछ पूछ सकते हैं, अपने आर्टिकल्स के लिए कुछ पूछ सकते हैं, मेरे लिए कुछ पूछ सकते हैं, कुछ भी. जब भी कार्तिक श्याम जी का आना होगा तब आपके स्टोर जरूर आएंगे. बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, कभी भी अपने स्टोर पे पधारिए, आपका स्वागत है तहे दिल से. कोविड का न्यू वेरिएंट, प्लीज टेक केयर. बिल्कुल शेरनी सॉन्ग मोटिवेशनल सॉन्ग. रतन जी थैंक यू सो मच. आपकी ड्रीम्स क्या है बेटा जी? पहले मैं बहुत सपने देखती थी, और मैं उस वक्त सपने देखती थी जब मेरे पास करने के, आज भी कुछ भी नहीं है. आज भी सपने देखती हूँ, और सपने वही देखती हूँ जो मैं पूरे कर सकती हूँ, और इन तभी उनको पूरा करने के लिए वो पूरी मशक्कत, वो पूरी अपनी जान उसमें लगा देगा, क्योंकि उसने अपनी औकात वरना बहुत बुरा लगता है लोगों को सुनने में. हाँ मुझे भी लगता था, बट अब नहीं. तो हमेशा ना मैं अपनी औकात से बड़े सपने देखती हूँ, क्योंकि उनको पूरा करने के लिए मुझे अपनी दिन रात एक करना पड़ता है. तो
और उनको मैं पूरा करती हूँ, इसलिए सपने देखती हूँ। सपने ऐसे बोलते ना, सपने कभी किसी को बताने नहीं चाहिए, तो मैं अपने सपने किसी को बताती नहीं, बस उनको पूरा कर लेती हूँ। जय माँ करनी रीसा, बिल्कुल बच्चों के अपने पास में किड्सवेयर अवेलेबल है। आप नॉनवेज खाती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं खाना चाहिए। मैं खाती भी हूँ, एडवाइस करती हूँ कि नहीं खाना चाहिए, उससे ना जो माइंडसेट होता है ना वो बहुत नेगेटिव जाता है। मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, प्लीज आंसर मी, पूछिए क्या। जय माँ करनी जी सा, कहाँ से हो आप? हर की प्रॉब्लम अलग होती है, हाँ की प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसका कोई हल नहीं होता। मैं बता रही हूँ, दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं है, और सीरियसली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं है, और उसका सॉल्यूशन हम खुद है। हमारी प्रॉब्लम है तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम खुद है। आलू के पराठे खाने से क्या होता है? आलू के पराठे खाने से फेस पर ग्लो आता है, हम सुंदर सुंदर बन जाते हैं, हमारी आंखें मोटी मोटी लगती है, और हम खुश खुश रहते हैं। आलू के पराठे खाने से ये होता है। हमारी यार देख, अच्छा आपसे मिलने के लिए ड्यूटी की वजह से छुट्टी नहीं मिल पाती, और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, मुझे बहुत पसंद हो ऐसा हो। पॉजिटिव, बिल्कुल हर इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, और आपके लिए आपकी जॉब, आपका बिजनेस जो भी है वो ज़्यादा जरूरी है, ना कि मुझसे मिलना। मैं ऐसे ही लाइव आके आप लोगों को बातें करती रहूँगी, आप लोगों से मिलती रहूँगी। हम बिल्कुल आपके जैसे हाँ शायद मेरी जैसे। बाय द वे मुझे आलू के पराठे पसंद नहीं है, लेकिन मम्मी बना रहे हैं, उन्हें पता है मुझे पसंद नहीं, लेकिन वो बना रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो बनाएंगे तो मना नहीं करूँगी, मैं खा लूँगी। खुद से मोटिवेट होना चाहिए ना दी, राइट, खुद से मोटिवेट होना चाहिए। खुद से बड़ा मोटिवेशन इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो खुद को जब लगे ना कि मुझे मोटिवेट होना है, मुझे मतलब आगे कुछ करने के लिए, क्या किसको देखूं मैं, किससे बात करूं, तो मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप से बात करना स्टार्ट कर दो। आसपास के लोग पागल जरूर समझेंगे, लेकिन अपन को अपन से मतलब होना चाहिए, अपने पेरेंट्स से मतलब होना चाहिए, दैट्स इट। हमें बहुत पसंद है आलू के पराठे, मुझे आलू बहुत पसंद है, आलू मतलब कच्चे आलू, जैसे आलू उबाल के खाता है ना, उस पर नमक मिर्ची लगा के मुझे